आज हम बना रहे हैं पोटैटो रोल। उसके लिए मैंने एक कप जो है मैदा लिया है फ्लावर, इसको हम डाल देंगे इसके अंदर बाउल के अंदर, और इसमें हम 2 चम्मच इतना घी डालेंगे। ये देखिए मैंने इसमें घी डाल दिया, और इसके बाद जो है मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी अकॉर्डिंग योर टेस्ट, और इसी में हम डाल देंगे कलौंजी 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम डालिएगा, बस इतनी इनफ है। और इसके लिए मैंने पानी लिया हुआ है गूंदने के लिए, पानी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे पानी है। अब मैं इसको आपको मिक्स करके दिखाती हूँ कितना इसको आपको हार्ड रखना है और कितना वैसा रखना है, मैं आपको सब चीज़ें डिटेल में बताऊँगी। इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें, वरना बाद दफ़ा होता है कि पतला हो जाता है आटा पानी ज़्यादा मिक्स हो गया तो। अब आप इसको अच्छे से इसकी मसाज करें इस तरीके से, ये जितना आटा स्मूथ होगा उतने ही अच्छे आपके रोल बनेंगे। आटे में अगर ज़रा से भी क्रैक्स होंगे या लम्स होंगे तो फिर आपका रोल ख़राब बनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लगाएं अगर वो नीचे चिपक रहा है, और उसको अच्छे से उसको वो करें मसाज करें, और फिर इसको आपको हाफ एन आवर के लिए इसको आपको रेस्ट पर छोड़ना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मसाज करके रख दिया। अब मैं इसको 1/2 घंटे के लिए छोड़ूंगी। इसको आप किसी भी कपड़े से या क्लिंग पेपर से आप इसको रैप करके रख दें। मैं इसको बस ऐसे ही कपड़ा ढक के इसको रख दूंगी रेस्ट होने के लिए। फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ कि आलू में आपको क्या क्या मिक्स करना है। सबसे पहले हम इसमें 1/2 चम्मच जो है नमक डालेंगे। ये देखें इतना हम नमक इसमें डालेंगे। ये मेरे पास 3 आलू हैं जो मैंने बॉईल करके इसको ग्रेट कर लिया अच्छी तरीके से, और ये 1/2 टीस्पून जितना जो है ना मेरे पास धनिया ज़ीरा है, दोनों मिक्स हैं, भुनावा धनिया ज़ीरा ये इसमें डाल ऐड कर देंगे हम। इसके अलावा हम 1/2 टीस्पून जितना ही चिली फ्लेक्स इसमें ऐड कर देंगे हमने इसमें चिली, और ये हरी मिर्चें हमारे पास आपको जितनी हरी मिर्चें पसंद हो, आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना तो आप सिर्फ चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप थोड़ी सी उसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास 2 ग्रीन चिली हैं जो जैसे मैंने एक ही डाली है इसमें, और ये थोड़ा सा पुदीना है हमारे पास फाइनली चॉप हुआ हुआ, और थोड़ा सा धनिया ये हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये हमारे पास 2 चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर है इसकी बाइंडिंग के लिए, कि इसकी बाइंडिंग अच्छी से हो जाए, ये इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको साइड में रख देंगे, और जो हमने डो बनाई थी अब हम उस पर अपना काम शुरू करेंगे। अब आप इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के ना इस पर अपने हाथ पे कुछ लगा लें, अगर आपके हाथ पे ये चिपक रहा है आपको ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बैटर जो है मेरे हैंड पे चिपक रहा है स्टिकी हो रहा है, तो आप इस पर अपने हैंड पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इसके इस तरीके से छोटे छोटे रोल बना के रखें। फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमें इसको उसमें कैसे डालना है जिसमें हमने आटा गूंदा है उसमें किस तरीके से हमें इसको बनाना है। देखें इस साइज़ के आपको रोल बनाने हैं बिल्कुल। मैं आपको और बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। आपने इस तरीके से बॉल बना ली पहले, फिर आप इसको अपने एक ही हैंड से इस तरीके से कर करके ये देखें, ना ज़्यादा मोटे बनाइएगा और ना ही ज़्यादा पतले बनाइएगा। ये दूसरा मेरा ऐसे ही रेडी हो गया, मैं और बना लेती हूँ। ये आप बनाएं शाम की चाय पे, ये बहुत अच्छे स्नैक्स बनेंगे। ये देखें इस तरीके से सारे आप बना के रखें। ये देखें मैंने अपनी सारी बॉल्स इस तरीके से बना के रेडी कर ली हैं, और अब मैं आपको पेड़ा बना के दिखाती हूँ उसको किस तरीके से आपको इसके अंदर फिल करना है।
ये एक चम्मच जो है मैंने फ्लावर लिया है, जिस फ्लावर से हमने आटा गूंदा था वही फ्लावर है जिससे हमें इसको चिपकाना है। और ये मेरे पास पानी है, मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डाल के इसका एक पेस्ट जैसा बना लूंगी, जो अभी और पानी डालना है। जैसे मैं इसका पेस्ट रेडी कर लूँगी और फिर मैं इसी से उसको बंद करूँगी। ये देखें इतना पतला पेस्ट बनाना है आपको, ताकि आपका वो अच्छे से बैटर पे चिपक जाए रोल पे इसका पेस्ट। ये देखें इस तरीके से, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए आपके, वरना फिर उस पर अगर लम्प लगा तो वो फटने लगेगा। ये देखें अच्छे से ये बिल्कुल वो हो गया, ठीक इसकी इतनी वो रखनी है आपको। ये मेरा रेडी है। अब हम इसमें से एक पेड़ा लेंगे, इतना बड़ा जो पेड़ा लिया मैंने, और इसको अच्छे से आप जैसे रोटी के लिए बेलते हैं इसको उसी तरीके से आप बेलेंगे। अपने काउंटर पे आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें या मैदा डस्ट अप कर लें, जो भी आपको जिस तरीके से आपको सही लगे। मुझे ऑयल से सही लगता है, मैंने ऑयल लगा लिया अपने काउंटर पर। अब हम इसको बेलेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको बहुत मोटा नहीं बेलना, पतला ही बेलना है, वरना किनारे मोटे रहेंगे, कहीं से मोटा आ रहा है कहीं से पतला आ रहा है तो वो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। ये देखें आपको इतना ही पतला थिकनेस आपको दिख रही होगी कि मैंने कितना पतला बेला, इतना पतला आपको बेलना है। और फिर अब मैं आपको इसमें रोल लग के बनाकर दिखाती हूँ। अब आप एक बोले अपना जो आपने आलू का रोल बना के रखा है उसको आप साइड्स में रख के, ये जो आपकी एजेस हैं इसको आप रिमूव कर लें अच्छे तरीके से। इसको आपने रिमूव कर लिया, अब आप उसको इक्वल में काटें। ये देखें इस तरीके से, ऐसे ही दूसरा रोल उठाएं वो रखें आप, उसको भी काट लें इस तरीके से, और ऐसे ही आप तीसरा रोल उठा के सेंटर में करके रखें, ताकि आपका वो वेस्ट भी नहीं होगा और आपका रोल भी अच्छे से बन जाएगा। मैं आपको एक एक रोल बनाकर दिखाती हूँ। आप ये कॉर्नर से यहाँ से उठाएं और इसको रोल करते हुए बिल्कुल इसके लास्ट पॉइंट तक के ले जाएं इस तरीके से। अब आप इसको लॉक कर दें, जो हमने पेस्ट बनाया था हम इस पर वो लगाएंगे। आप फिंगर की मदद से लगा लें, आप ब्रश की मदद से लगा लें, या तो आप स्पून से लगा सकते हैं, कुछ इस तरीके से सही लगे। आप अच्छे से उसको कवर करें। ये देखें इस तरीके से आपका रोल हो जाएगा तैयार। अब हम इसको थोड़ी देर में फ्राई करेंगे, बाकी रोल भी हम इसी तरीके से सारे बना लेंगे। हम इस पे भी उसी तरीके से लगाएंगे, ये हमने अच्छे से लगाया, अब हम इसको भी बंद कर देंगे। ये देखें ये भी, अब हमें ऐसे ही ये लास्ट वन भी बना लेंगे अपना। मैंने अपना ऑयल गरम पे रख दिया था, मेरा ऑयल मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने ऑयल को गरम करने के लिए रखा था। मेरा ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है, अब मैं इसमें एक एक करके ये डाल दूंगी जो हमने रोल बनाए, और इसको हमें गोल्डन ब्राउन करना है। इसको हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको हमने कुक करने के लिए रखना है, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं होता। इसको आपको अच्छी तरीके से डीप फ्राई करना है, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपको इसको डिश आउट करना है। जैसे ये अपना कलर चेंज करेगा तो मैं थोड़ा सा ये कलर चेंज करती हूँ, मैं इसकी साइड टर्न कर दूंगी, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ किस कलर का होगा, तो आपको उसको बाहर डिश आउट करना है। ये देखिए मुझे नीचे से फील हो रहा है कि मेरे उसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया रोल ने, अब मैं इसको टर्न कर दूंगी। ये देखें कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हुआ है। मैं सारी ऐसे करके टर्न कर दूंगी, दूसरे साइड से भी इसको कुक करूंगी। और कोशिश कीजिएगा कि आपके रोल अलग अलग ही रहें, अगर एक साथ आपके रोल चिपक गए तो आपके सारे रोल ख़राब हो जाएंगे। मैंने इस तरीके से सबको टर्न कर दिया, मैं दूसरे साइड भी इसी तरीके से गोल्डन होने दूंगी जब तक कि, और जैसे ये गोल्डन होता है तो फिर मैं इसको डिश आउट करूंगी। ये देखें ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया, मैं इसको डिश आउट करती हूँ।
है, ये देखिए मैंने सारे निकाल लिए हैं, डिश आउट कर लिया। अब मैं इसकी प्रेजेंटेशन आपको करके फिर आपको फाइनल लुक इसका दिखाती हूँ।